फ्रेंड, आज आपके लिए ऐसे एक रेमेडी लेके आओ जो आप घर का सामान से बहुत ही आसानी से बना पाओगे, और सिर्फ एक बार का यूज से आपका मुंह का जो स्पॉट पड़ गया, ब्लैक स्पॉट पड़ गया, फिर पिंपल वगैरह, फिर धूप का वजह से काला पन आ गया, पूरा के पूरा एक बार यूज से ही निकल जाएगा। और सबसे बड़ा बात है ये फ्रेंड, आपका बाहर का कोई सामान मंगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, घर में जो भी सामान है उससे आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए बताते कैसे ये रेमेडी बना सकते हैं, और एक बार में आपका मुंह का जो कालापन है वो हटा के आपका स्किन का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू करने का पहले फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो फ्रेंड शुरू करने का पहले मैं तो फ्रेंड आपको जो चीज का जरूरत है वो मैं एक एक करके बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहना। सिंपल एक आधा काटा हुआ टमाटर ले लेना, और इसको अच्छा करके घिस लेना। मैं मिक्सर से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला जो सिल्का है वो नहीं लेना है, सिर्फ अंदर का चीज ही लेना है। तो मैं इससे निकाल देते, तो फ्रेंड साइड में रख देते। और दूसरा जो चीज का जरूरत पड़ेगा फ्रेंड, थोड़ा सा नमक, देख सकते आप सोच सकते नमक फिर मुंह में लगाने कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत नमक लेना, वो आपको बाद में बताऊंगा वीडियो का आखिर में। तो और एक चीज लेना है फ्रेंड, ये है हल्दी। हल्दी लेके अच्छा करके मिक्स करना, मिक्स करने के बाद फ्रेंड इधर में आपको थोड़ा आधा चम्मच जैसे बेसन लेना पड़ेगा, और एक चीज का जरूरत पड़ेगा, जैसे घर में कोई भी फेस वॉश है उससे थोड़ा बहुत हिसाब से लेना मैं जितना लेता हूं। फ्रेंड देख सकते अभी ये अच्छा करके मिक्स कर लेना। तो फ्रेंड मैं बताया था आपका नमक का क्या काम है, तो नमक फ्रेंड आपका जो स्पॉट पड़ गया है, जो अंदर का स्किन का अंदर जो कुछ मर गया है उसको बाहर निकालने में बहुत ही मदद करते, इसलिए थोड़ा बहुत नमक लेने का भी जरूरत है। तो फ्रेंड आप देखा मैं क्या क्या लिया, टमाटर लिया, थोड़ा नमक लिया, हल्दी, बेसन और थोड़ा बहुत फेस वॉश। लेने के बाद फ्रेंड ये अच्छा करके मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद मैं जैसे अप्लाई करूंगा आपको अप्लाई करके भी बताऊंगा, मैं जैसे अप्लाई करूंगा बिल्कुल ऐसे अप्लाई करना। अब देख सकते हैं फ्रेंड मैं मेरे हाथ में अप्लाई करके बताते, नीचे से ऊपर तक ऐसे अच्छा करके। चार मिनट से पांच मिनट तक फ्रेंड ऐसे अच्छा करके घिस घिस के अप्लाई करते रहना आपका मुंह में, मैं हाथ में करके बता रहा, मुंह में करके नहीं बता सकते इसलिए। तो फ्रेंड ये अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको रख देना है। रखने का बाद ये मैं जैसे आप फोटो में देखा ऐसे फोटो के तरह पूरा के पूरा सूख जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है फ्रेंड ये जरा और भी गाढ़ा करना पड़ेगा। जब गाढ़ा करोगे तभी आप वैसे मुंह से उठा पाओगे, थोड़ा गाढ़ा कर लेना। गाढ़ा करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप निकाल देना, जब सूख जाएगा 20 मिनट तक भी रख सकते। सूखने के बाद एक साइड से निकलोगे तो वो जो स्पॉट है आपका काला दाग, काला हुआ दाग था वो भी पूरा निकल जाएगा, और वो निकालने के बाद थोड़ा फेस वॉश से आपका मुंह साफ कर लेना। तो आपका मुंह में एक बार का यूज से जितना भी स्पॉट गिर गया था एक बार में यूज करके ही आप फर्क देख पाओगे कितना अच्छा पहले से कितना अच्छा बन गया है। तो फ्रेंड ये जो रेमेडी है आप हफ्ता में दो बार यूज कर सकते, तो धूप में जाओगे तो भी आपका चेहरा में कालापन नहीं आ पाएगा, कोई भी पिंपल वगैरह कुछ भी आपका मुंह में नहीं आएगा, और आपका स्किन का जो ब्राइटनेस है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में रहेगा हमेशा। तो फ्रेंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।